एक मुफ्ती साहब, मदनी साहब, उनकी वाइफ का मसला है। मेरे भाइयों, अपनी बेटी ऐसे आदमी को दीजिए जो आपकी बेटी की इज्जत करे। आज हम और आप अपनी बेटी नोट वाले को देते हैं, वोट वाले को देते हैं। मौलवी को कौन देता है? मौलवी को देते हैं? पैसा नहीं। बेटिया को देंगे कहां? गाड़ी, बंगला नहीं। सुन लीजिए, एक वाकया सुनाना चाह रहा हूं मां बहनों के लिए। क्या मसला है? बेटा, ससुर जी ने कहा, बेटे मेरी ये बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 18 पारा हिफ्ज कर लिया है, 12 पारे आपको याद कराना, यही दैन मोहर है। मोहर क्या है? सच्चा वाक्या सुना रहा हूं। 12 पारे आपने मेरी बेटी को याद करा देना ताकि वो कुरान की हाफिजा हो जाए, यही दैन मोहर है। अब्बू जान, अच्छी बात है, 12 पारे हिफ्ज हो गए, करा दिए, यही दैन मोहर और वो हाफिजा बन गई। आज भी अल्लाह वाली औरत दुनिया में मौजूद है। मिसाल सुन लीजिए, अभी वो बेचारी दुनिया से चली गई है। मालूम है आपको, उस हाफिजा औरत को 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे। कितने? 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे, और उन 10 बच्चों को हाफिज कुरान अब्बा ने नहीं बनाया। बनाया तो किसने बनाया? अम्मी ने बनाया, माँ ने बनाया, और उस माँ ने बनाया है। माओ बहनों, कान खोल के सुनो, जिस माँ ने घर के पूरे काम किए हैं, घर का पूरा काम किया और पूरा काम करने के बाद टाइम निकाला और अपने 10 बच्चों को हाफिज बना के दुनिया से चली गई। जब वो दुनिया से गई है तो उसके बाद शेख साहब, मुफ्ती साहब के पास कुछ लोग आए कि दूसरी शादी कर लीजिए। सुन लीजिए जवाब, आज भी ऐसी औरत दुनिया में है। मुफ्ती साहब ने कहा, मेरी वो बीवी वैसी बीवी शायद कि मुझे न मिले। आखिर आपकी बीवी में खसूसियत क्या है? अरे, उसका दैन मोहर 12 पारे थे। वो बीवी ऐसी बीवी थी कि मैं बाहर कमाने के लिए रहता था, उसने आज तक मुझसे एक कपड़े के लिए भी नहीं कहा कि मेरा कपड़ा ला दो। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने एक किताब लिखी और उस किताब को छापने में मेरी बीवी ने अपने पूरे जेवरात दे दिए, और बीवी के जेवरात में इतनी बरकत हुई कि उस किताब को पूरी दुनिया में कई बार छापा गया है। जब मैं दोबारा पैसा लेकर गया, अपनी बीवी से कहा कि गहने खरीद लो, तो उस बीवी ने जवाब दिया कि मैंने रब से सौदा कर लिया है, आपके पैसे की जरूरत। बताइए, ऐसी औरत मिलेगी आज? बोली न रहे, मिलेगी? तो शेख साहब ने कहा कि अब ऐसी औरत कोई है तो शादी करना, वरना नहीं। मां बहनों से है, ये जेवरा किस काम आएंगे? हाँ, जो हाथ पैर दबाएगा उसी को दे देंगे, कहीं नट्टी भी दबा देगा, वही होता ही। और कहा,